हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिंधी का डिज़ाइन बनाना बताएंगे आपको, जो कि देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ पर यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। साड़ी का किनारी हुआ, सूट का किनारी हुआ, या ब्लाउज के गले पर पीछे या बाजू पर भी आप इसको बना सकते हैं। तो आइए हम बनाना शुरू करें। इससे पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम वीडियो शुरू करते हैं बनाना। तो इस पर ग्राफ बनाएंगे। हमने सिंधी के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पर, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसको बनाना है। अब तीन फूल हमने इसको बनाया है, तो इसके बीच में आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। मैंने ग्राफ से भी बहुत सारे वीडियो बनाया है। ग्राफ एक तरह से हमारा बनेगा। एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर करना चाहती हूँ आपको, ग्राफ एक ही तरह से बनता है, और इसको जो भी डिज़ाइन बनाना हो वहाँ पर ग्राफ बना करके उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसको इस तरह से हमने बना लिया। इसके बाद इसको इस तरह से बनाएंगे हम। ग्राफ तो हमारा एक्स्ट्रा में भी बनता है, ये कहाँ से और कैसे बनाना है। तो पहले इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद इसको बनाएंगे हम। इसके बाद हम यहाँ पर बना करके ये दोनों लाइन के बीच में यहाँ पर हमें बनाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। अब ये दोनों लाइन के बीच में ये जो हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बहुत ही क्लियर आपको बता रहे हैं इसमें। और कितना ये फिनिशिंग के साथ हमारा बन जाता है डिज़ाइन। और साथ में इसकी भराई भी हम बता देंगे कि बनाते हैं, और इसके साथ साथ में हम इसकी भराई कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एंड हो गया है, तो इसको यहाँ पर हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में यहाँ से अब इसकी हम भराई शुरू करेंगे। इस तरह से इसके बाद इसमें हम निकालते हैं जो हमारा कोना बना रहता है, इसमें हम निकालते हैं कॉर्नर पे। जब हम भराई करते हैं तो कहीं भी हम अटैच नहीं करते हैं इसको, नीडल को क्लोथ से। फिर इसको इस तरह से हम घुमा देंगे। ये चार लेयर का होता है। इसमें देखिए आप स्पष्ट देख सकते हैं, एक धागा को हम उठाएंगे, फिर एक को हम नीचे दबा देंगे धागे को, फिर इसके पास वाला धागा जो है इसको हम उठाएंगे, ये देखिए, फिर इसके पास वाला एक धागा को हमने दबा लिया, निडल से नीचे हमने कर दिया। फिर धागे को अब इस वाले फंदे में हमें आना है, और फिर इधर हमें इसको बनाना है। बहुत ही आराम से और धीरे धीरे आपको ये बता रहे हैं। ये देखिए, फिर देखिए यहाँ पर एक हमारा धागा दिख रहा है, इसको निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकाल करके हम इसको बना लेंगे। और ये देखिए, ये हमारा बीच वाला कंप्लीट हो गया है बनके। कहीं हमारा धागा इसमें
नोट हो रहा है, इसको हम अच्छे से धागे को सुलझा लेते हैं। कभी कभी कहीं कहीं हो जाता है, और ये देखिए हमारा सुलझ गया है धागा। फिर यहाँ पर हम ले जाएंगे, ले जाके बना लेंगे, बना करके इसको इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। फिर इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। देखिए ग्राफ द्वारा हमने कितना ही सरल तरीके से आपको बना दिया इसमें डिजाइन को, और आपका ये डिजाइन बनके रेडी है। इसी तरह से यहाँ हम कर लेते हैं, करके फिर आपको आगे दिखा रहे हैं। यहाँ भी हमको ग्राफ बनाना होगा, तो फिर इसी तरह से हम ग्राफ को बना लेंगे। 2, 3, एक यहाँ और एक यहाँ, हमने 3 लाइन लगा दिया है। 3 लाइन जब लगाया है तो हम थोड़ा सा नीचे से इस तरह से हम लेंगे, और ले करके इसी तरह से हम फटाफट बना लेंगे। इसी तरह से इसकी भराई भी हम अब शुरू करेंगे। और ये देखिए, ये भी हमारा डिजाइन दूसरा वाला भी बन के तैयार है। इस तरह के छोटे छोटे फूल हम यूज करते हैं, कहाँ सूट हुआ, ब्लाउज हुआ, वहाँ पर यूज करते हैं। और जब ये पूरा बनाना है डिजाइन, तो भी हम इकट्ठा सूट के किनारी पर हुआ, या गले पर हुआ, या ब्लाउज पर हुआ, उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी भी हम भराई कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ऊपर का ये फूल बना करके कंप्लीट कर दिया, और भराई भी साथ में आपको बताया है। अब हम नीचे वाला है, ये जो लाइन है इसकी भराई हम बनाना बताएंगे। ये मात्र 1 लाइन की भराई है, इसको कैसे बनाना है। 1 लाइन मतलब दो दो पार्ट में इसको हम नहीं बनाए, एक पार्ट में ये पूरा लाइन हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो आइए इसकी भराई बनाना बताएँगे आपको। इसके भराई के लिए जैसे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने स्टार्टिंग किया है, भराई किया है, तो जैसे यहाँ से कि हम शुरू कर रहे हैं, ये वाला स्टेप आप यहाँ से मानकर चलेंगे, क्योंकि कहीं से भी आप शुरू करेंगे तो ये यहीं से शुरू होगा इसकी भराई।
इस वाले धागे को उठाना है, फिर इसमें हमें अटैच किया है जो हमने, इसमें हमें निडल को ले जा करके निकालना है और फिर धीरे से आराम से इस धागे को हमें खींचना है। इसके बाद इस धागे को हम उठाएंगे, इसके साथ वाले में ये सामने वाला धागा हम उठा लेंगे। इसके बाद इस धागे को यहाँ पर हम, इसके बाद फिर उसी तरह से हम निकालेंगे और फिर इसमें हम ले जाएंगे और ले जाकर इधर से हम निकालेंगे। आराम से हमें निकालना है इसको, फिर इस धागे को उठाएंगे, उठा करके धीरे से हमें इसको खींचना है। खींचने के बाद में इस धागे को हम उठाएंगे, उठाने के बाद में इसको यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरह से पूरे लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस लाइन को हम कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखा रहे हैं। यहाँ तक हमने इसको बना लिया है, इसके बाद अब नीचे वाला जो हमने बनाया है इसको भरना हमें बाकी है। जब बनाने लगेंगे तो ऑटो इसी तरह से घूमते जाएगा और इसको इसी तरह से इसको बना करके हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर कंप्लीट करके आगे आपको दिखा रहे हैं। इसमें बनाने के बाद हमारा इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनके कंप्लीट है। और देखिए कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।